हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फोर्थ चैप्टर में से फोर्थ और लास्ट पार्ट के बारे में ये हमारे पास फोर्थ चैप्टर का लास्ट पार्ट है इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा थ्री वीडियोस इसकी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर कोई भी वीडियो आपसे मिस हो चुकी है तो सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप जाकर देख सकते हैं सो so, इस फोर्थ पार्ट में आज हमें डिस्कस करना अपना फोर्थ टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सो हमें यह पता है कि 1956 में जब इंडिया में सेकेंड फाइव ईयर प्लान स्टार्ट किया गया था तब उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इंडस्ट्री को ग्रो करना उनकी प्रोडक्टिविटी को ग्रो करना और हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना लेकिन हैवी इंडस्ट्रीज के साथ साथ हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये इकोनमी में इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं और इक्वालिटी को भी प्रमोट करती हैं सो so, ओवरऑल अगर कहा जाए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के बारे में एक पॉलिसी डिसाइड की गई थी जो कि प्रमोट करती है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए और वो गोल्स कौन से हैं इम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी यानी इक्वालिटी सो टॉपिक हमारे पास है

जो बैकवर्ड एरियाज़ में इस्टेब्लिश की जाती है जो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होती है जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं उनके डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस किया गया था सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन रीड करनी है इंट्रोडक्शन में हमें यही कह रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट डिपेंड करती है उसकी इंडस्ट्री के ऊपर और इंडस्ट्री को हम बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रमोट की जाती हैं क्योंकि वो ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होती हैं दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो इंप्लॉयमेंट अपॉरचुनिटी के लिए डेवलप की जाती हैं क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड एरिया में इस्टेब्लिश की जाती हैं उनके पास मशीन्स ज़्यादा नहीं होती इसलिए वो लेबर यूज़ करती है सो इट मीन्स बैकवर्ड एरिया में होने के कारण वो रीजनल इक्वलिटी को भी प्रमोट करती है और लेबर इंटेंसिव होने के कारण वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है सो so आज हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट और इक्वेलिटी को प्रमोट करती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती कौन सी हैं वो सभी इंडस्ट्रीज जिनकी इन्वेस्टमेंट राइट नाउ फाइव करोड़ से कम में वो सभी इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज राइट नाउ लेकिन अगर हम इसको 1950 में चेक करें 1950 से 1951 के डाटा के अकॉर्डिंग जिस इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट 5 लाख या फिर उससे कम है, वो में वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इंक्लूड की जाती है सो so, टाइम के अकॉर्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन को चेंज किया गया और राइट right नाउ वो सभी इंडस्ट्रीज जिनके इन्वेस्टमेंट फाइव करोड़ से कम है या फिर फाइव करोड़ तक है उन सबको हम किसमें इंक्लूड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर अचीविंग दी गोल्स ऑफ प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन का मेन गोल क्या था इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना क्यों करना ताकि इकॉनमी को ग्रो किया जा सके और इकॉनमी तभी ग्रो होगी जब इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट होगी और इक्वलिटी होगी जो कि तभी पॉसिबल है जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करें ग्रो करें उनको प्रोमोट करें सो so, यहां पर फर्स्ट हमारे पास आता है मेन करेक्टर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सबसे पहले हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के करेक्टर्स अंडरस्टैंड करने हैं देन हमें फर्दर गुड इंपैक्ट फीचर्स और बैड इंपैक्ट्स के बारे में भी अंडरस्टैंड करने सो फर्स्ट करेक्टर हमारे पास आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव एंड देयर फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली सो फर्स्ट करेक्टर क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं यानी उसमें लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि तो उनके पास इतने इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं कि वो बड़ी बड़ी मशीन्स यूज कर सके अपनी प्रोडक्शन करने के लिए सो so, क्योंकि वो मशीन का यूज़ नहीं करते लेबर का यूज़ करते हैं इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम लेबर इंटेंसिव बोलते हैं अब क्योंकि ये इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होती हैं सो so, इसीलिए ये ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती हैं ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं सो so, यहां पर हमें कह रहे हैं एज द इन्वेस्टमेंट इज एज द इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लो सो दे यूज लेबर इंस्टेड ऑफ मशीन अब क्योंकि ऐसे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम होती है इसीलिए ये इंडस्ट्रीज मशीन यूज करने की बजाय लेबर को यूज करते हैं सो so,

इक्वलिटी ओरिएंटेड यहां पर हमें कह रहे हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो लोकेशन वाइज फ्लेक्सिबल होती हैं इट मींस इनको कोई मतलब नहीं होता कि किस एरिया में इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए ये इंडस्ट्रीज जहां मर्जी इजिली इस्टैब्लिश की जा सकती हैं ये फ्लैक्सीबल है क्यों क्योंकि तो इनको स्मॉल एरिया चाहिए इनके इन्वेस्टमेंट स्मॉल है इनको जरूरी नहीं है कि नियर टू रॉ मटेरियल इस्टैब्लिश करना हो इट मीन्स इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ऐसी एरिया को फाइंड आउट किया जाए जहाँ पर इनको रॉ मटेरियल ईजीली मिल जाए क्योंकि इनका रॉ मटेरियल कम यूज़ होता है और उनकी जो वेट है वो भी कम होती है क्वांटिटी भी कम होती है इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होता है सो so, ये जहाँ मर्जी इस्टैब्लिश की जा सकती हैं बैकवर्ड एरिया में भी इस्टेब्लिश की जा सकती हैं जिसकी वजह से ये इक्वेलिटी को भी प्रमोट करते हैं सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लोकेशन वाइज फ्लैक्सीबल हैं इट मीन्स जहां मर्जी इस्टैब्लिश किए जा सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोकेशन दूसरी तरफ क्योंकि ये बैकवर्ड में भी इस्टब्लिश किए जा सकती हैं इसलिए ये इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं जबकि अगर हम बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की तो इनको वहां पर इस्टेब्लिश होना होता है जहां पर इनको सारी फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल हों इनके पास रॉ मटेरियल भी इजीली मिल जाए और इनके पास जो मार्केट है वो भी इजीली मिल जानी चाहिए क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है इनकी नीड्स ज़्यादा होती हैं इनकी ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस भी फिर ज्यादा ही होता है सो इट मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज आर इस्टेब्लिश एनी वेयर इन रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन कोई स्पेसिफिक लोकेशन की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती इनको जहां मर्जी इस्टैब्लिश किया जा सकता है बिकॉज देयर रिक्वायरमेंट्स आर स्मॉल एज कंपेयर टू एनी अदर लार्ज इंडस्ट्रीज क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज जो भी हम कह सकते हैं वो क्या होती है कम होती है सो so, इसलिए ये जहाँ मर्जी इस्टैब्लिश की जा सकती हैं बैकवर्ड एरिया में भी इस्टेब्लिश की जा सकती हैं इसीलिए ये रीजनल ग्रोथ बैलेंस्ड कर देती है यानी ऐसे एरियाज जहां पर कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं होना चाहती वहाँ पर भी ये इस्टेब्लिशमेंट करती हैं और वहाँ पर भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज लेकर आती हैं थर्ड करेक्टर हमारे पास आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज़ देयर फॉर इक्विटी ऑरिएटेड सो क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इनको ज़्यादा बड़ी मशीन्स नहीं चाहिए इसलिए ये लेबर इंटेंसिव होती हैं इनकी इन्वेस्टमेंट कम होती है और लेबर इंटेंसिव होने की वजह से ये इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और अगर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट की तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंडस्ट्रीज़ इक्विटी ऑरिएटेड है यानि इक्वलिटी को प्रमोट करती हैं सो so, यहां पर हमें कह रहे हैं दी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस एक्टिविटीज आर स्मॉल एज कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज सो लार्ज इंडस्ट्रीज के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इनकी रिक्वायरमेंट कम है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम है और बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भी इनको ज़्यादा फाइनेंस नहीं चाहिए सो इट प्रमोट इक्वेलिटी बिकॉज दे डज नॉट हैव इकोनॉमिक पावर इन देयर हैंड्स अब क्योंकि ये क्वालिटी क्वांटिटी वाइज कम होती हैं इनको ज़्यादा फाइनेंस नहीं चाहिए इसलिए ये किसी इकोनॉमिक पावर को अपने हैंड्स में नहीं रख सकती ये पूरी इकॉनमी को इफेक्ट नहीं कर सकती एक छोटी इंडस्ट्री के इस्टेब्लिश होने से या फिर एक इंडस्ट्री के बंद होने से इकॉनमी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हाँ अगर ये सारी इंडस्ट्रीज बंद होना स्टार्ट हो जाएं जो स्मॉल स्केल है तो बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है लास्ट में क्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अब क्योंकि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये इक्वालिटी को भी प्रमोट करती हैं सो बेसिकली थ्री करैक्टर्स हमारे पास हैं जिसमें से फर्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये लेबर इंटेंसिव होती है इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं लोकेशन वाइज कहीं पर भी इस्टेब्लिश की जा सकती हैं इक्वलिटी को प्रमोट करती हैं और रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ को भी प्रमोट करती हैं सो so, ऐसे ही नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है फीचर्स गुड इफेक्ट्स एंड बैड इफेक्ट्स इट मीन्स हमें ये डिस्कस करना है कि जो स्ट्रैटेजीज हमने अडॉप्ट की थी हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बिटवीन 1950 टू 1990 उसके क्या फीचर्स हैं क्या उसका गुड इफेक्ट था और क्या उसके बैड इफेक्ट थे सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है फीचर्स यानी करेक्टर्स सो फर्स्ट फीचर क्या है कि जो स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट की थी उसमें मेजर रोल किसने परफॉर्म करना था पब्लिक सेक्टर ने यानी सारा कंट्रोल किसके हैंड में था इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट के हैंड में मेजर रोल इज परफॉर्म्ड बाय पब्लिक सेक्टर सेकंड हमें कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर इज प्लेइंग सेकेंडरी रोल अंडर दी लाइसेंसिंग सिस्टम इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया गया था कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं लेकिन लाइसेंसिंग सिस्टम के अंडर पहले लाइसेंस एक्वायर करना पड़ेगा देन वो स्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं थर्ड हमारे पास आता है फोकस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑन सब्सटीट्यूटिंग दी इम्पोर्ट फॉर सेल्फ रिलायंस सो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेसिकली इसलिए ग्रो किया गया ये स्ट्रेटजीज इसलिए डेवलप की गई ताकि हम इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करें यानी हम जो प्रोडक्ट फॉरन से इम्पोर्ट करते थे अब इम्पोर्ट करना बंद कर दें और उनको इंडिया में ही प्रोड्यूस करें सेल्फ डिपेंडेंट बने सेल्फ रिलायंस क्रिएट करें फोर्थ प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स फोन फ्राम फॉरन कॉम्पिटिशन्स सो फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचने के लिए जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया था कैसे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो इंक्रीज कर दी गई थी ताकि फॉरेन से कोई प्रोडक्ट ना लेकर आया जा सके ताकि इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़े हमारी इकोनमी के ऊपर फिफ्थ हमारे पास आता है लार्ज इंडस्ट्रीज आर इस्टेब्लिश्ड टू बिल्ड दी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जिम्मेवारी किसको दी गई थी लार्ज इंडस्ट्रीज को हैवी इंडस्ट्रीज को क्योंकि वही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं जिसको हम यूज करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दूसरी तरफ लास्ट में स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया गया था क्योंकि यही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती हैं और इक्वलिटी को भी प्रमोट करती हैं सो so, ये हमारे पास थे कुछ फीचर्स जो एज अ स्ट्रेटेजी हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ऑप्ट किए थे नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड इफेक्ट्स इट मीन्स अभी हमें ये डिस्कस करना है कि जो स्ट्रेटेजी हमने ऑप्ट की थी उसके मेरिट्स क्या थे क्या उसके अच्छे प्रभाव पड़े थे हमारी इंडस्ट्री के ऊपर हमारी इकोनमी के ऊपर फर्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हमारी जो इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हो चुकी थी 1950 से 1990 तक ये डाटा रिकॉर्ड किया गया था 6 परसेंट पर एन यानी पर एन हमारी ग्रोथ रेट कितनी थी 6 परसेंट यानी हमारी आउटपुट इंडस्ट्री को लेकर कितनी इंक्रीज़ हो रही थी 6 परसेंट सेकेंड एमरजेंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एट डोमेस्टिक लेवल अब क्योंकि हमने फॉरन लेवल से फॉरन कॉम्पिटिशन से अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेव करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी थी इसीलिए जो हमारी डोमेस्टिक लेवल पर वेरियस इंडस्ट्रीज जो हैं वो एमर्ज हो रही थी यानी उभर कर सामने आ रही थी नेक्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने में और इक्वलिटी यानी बैलेंस ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए अब जिसके गुड इम्पैक्ट होते हैं उसके कुछ बैड इम्पैक्ट्स भी होते हैं सो बैड इम्पैक्ट्स में फर्स्ट हमारे पास आता है क्योंकि मेजर रोल पब्लिक सेक्टर परफॉर्म कर रही थी जो कि क्या थी इनएफिशिएंट थी करप्टेड थी और उनको ह्यूज लॉसेस भी हो रहे थे इसीलिए हमारी जो इंडस्ट्री है उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई बिटवीन नाइनटीन टू नाइनटीन नेक्स्ट प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लीड टू ग्रोथ बट आर प्रोडक्ट्स आर फेल टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सो क्योंकि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे फॉरन ब्रांड से जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई हमारी ग्रोथ भी इंक्रीज हुई लेकिन हम अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं कर पाए हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली मैन्युफैक्चर करने के लिए बने ही नहीं थे वो सेल ही नहीं हो पा रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में टिक ही नहीं पा रहे थे लास्ट हमारे पास आता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग प्रोवाइड्स प्रूव्स रॉन्ग एज आर फॉरेन रिजर्व्स आर डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली सो जो हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का फैसला लिया था कि हमें खुद प्रोडक्शन करनी चाहिए फॉरेन से कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना ही नहीं चाहिए वो गलत साबित हुआ था क्यों क्योंकि अगर हम फॉरेन से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे भी प्रोडक्ट फॉरेन में नहीं सेल होंगे सो so, उसकी वजह से हमारे जो रिज़र्व हैं फ़ौरन के वो डिक्रीज हो जा रहे थे हमें क्या करना चाहिए था हमें इम्पोर्ट सब्सटिट्यूट नहीं करना चाहिए था हमें अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने चाहिए थे ताकि जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो हमें मिल जाए इम्पोर्ट करने से और जो प्रोडक्ट फ़ॉरन में किसी के पास नहीं है वो हम एक्सपोर्ट करें इसकी वजह से हमें क्या होता है बेनिफिट मिलता हमारे पास रिज़र्वस इंक्रीज होते सो so, ये हमारे पास थे कुछ बैड इम्पैक्ट सो so, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे हेल्प करती है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए जो कि थे इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वेलिटी इसके साथ ही हमने स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिटवीन 1950 फिफ्टी टू नाइनटीन नाइनटीन इसके फीचर्स बैड इंपैक्ट और गुड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी सारी वीडियोज़ को अपने सभी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि कुछ बेनिफिट उनका हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए